तो हाय दोस्तों यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार एकदम बढ़िया होगे, आगे भी इसी बढ़े रहना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भैया अपने फ्री फायर के बारे में। आप लोगों को मालूम है फ्री फायर आज तक अपने इंडिया सर्वर के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर नहीं आ रखा है, बट इस टाइम पे फाइनली आप सभी लोग के लिए कुछ गुड न्यूज आ चुकी है। फ्री फायर की तरफ से कुछ ऑफिशियल न्यूज वगैरह हमारे पास आ रखी है, जहां पे फ्री फायर इंडियन वर्जन आप लोग को देखने को मिलेगा। 2 महीने 3 महीने से अपने गेम के अंदर कोई भी अपडेट आप लोग को देखने को नहीं मिला है ओबी का, तो क्या नेक्स्ट OB34 का जो अपडेट आने वाला है वो अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं। तो इन सारी चीजों की जो डिटेल्स है आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को जानने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को आप लोग टिल एंड वॉच करो। बाकी दोस्तों अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑलवेज सेट कर लो, जिससे आप मतलब कि आप लोग को नोटिफिकेशन भैया आती रहेगी। ठीक है, तो चलो गाइस जो आज के वीडियो को फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक इंडिया सर्वर के ऊपर मतलब फ्री फायर वालों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज वगैरह नहीं आ रखी है, बट स्टिल मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ ऑफिशियल चीजें हैं जो कि आप लोग मिलेगा, ऐसा नहीं कि भाई एक भी न्यूज नहीं आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी लेटेस्ट आई है जो कि बताऊंगा अभी आप लोग को। तो देखो इस एक्चुअली सीन क्या कुछ हो रखा है मैं आपको बता देता हूं। तो कुछ टाइम से जो अपना फ्री फायर है वो प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था गवर्नमेंट की वजह से। एंड ये बात मैंने आप लोग को हजार बार बोली है कि भाई जो फ्री फायर है वो बैन नहीं हुआ इंडिया से, वो आप लोग को सस्पेंड किया गया, आप लोग का जो नॉर्मल फ्री फायर उसको सस्पेंड किया गया है। ठीक है, अगर कहीं कहीं यहाँ पे फ्री फायर कंपनी जो है प्रॉब्लम होती फ्री फायर कंपनी गवर्नमेंट को, ठीक है, अगर वो सच में प्रॉब्लम क्रिएट करती तो गाइस डायरेक्ट फ्री फायर जो दोनों एप्लीकेशन है जो कि अपने गरेना फ्री फायर मैक्स है एंड गरेना फ्री फायर है दोनों चीजें रिमूव होती, बट अपना जो गरेना फ्री फायर है बस वही रिमूव हुआ है। ओके, तो अभी जो सर्वर है वो वापस से ठीक हो रहा है। आप लोग देखोगे तो भाई अभी काफी कम लोगों को यहाँ पे इशू देखने को मिल रहा है। लाइक यार पहले बहुत सारे लोग के अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी, काफी सारे लोग के अकाउंट के ऊपर नेटवर्क कनेक्शन एरर आ रहा था, बहुत सारे लोग अकाउंट जो वो ओपन नहीं कर पा रहे थे। तो अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है, मतलब 90% से लेकर 95% तक जो प्रॉब्लम है भैया ये अब फाइनली सॉल्व हो चुकी है। तो भाई लोग इसीलिए अभी यहाँ पे कई जहाँ पे जो 5% बचे हुए हैं, तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने के बाद जो फ्री फायर है वो वापस से एप्लीकेशन डाल के अपील करेगी, जहां पे गाइस आप लोगों को मैं बता दूं आने वाले 1 महीने के अंदर आप लोगों का जो नॉर्मल फ्री फायर है वो वापस से आप लोगों को देखने को मिल सकता है, अगर वो अपील जो है अप्रूव हो गई तो गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अभी देखो कोई भी अपील आती है तो उसको अप्रूव करने में टाइम जरूर लगता है, इसलिए मैंने आपको एक महीना बताया, मतलब कि अभी 45 डेज भी हो सकता है, क्योंकि भाई देखो अपील आती है, बहुत सारी एप्लीकेशन की अपील आती है अपने इंडिया में मतलब परमिशन लेने के लिए। तो गाइस अभी वापस से फ्री फायर को पूरा प्रोसेस वगैरह फॉलो करना पड़ेगा, देन जाके अगर अप्रूवल मिल गया तो भाई लोग ये अपने एप्लीकेशन को वापस से प्ले स्टोर के ऊपर डाल सकते हैं। और अगर मान लो गाइस इसका जो बैकअप प्लान है, मान लो अगर ये लोग को डिक्लाइन कर दिया गया, तो वैसे केस में क्या है ना, जितने भी गेम की फाइल्स वगैरह है, जितने भी गाइस इनके अंदर की चीजें होती हैं गेम की मटेरियल्स वगैरह, उसको निकाल के वापस से गाइस यहां पे नया फ्री फायर बनके जो कि गरेना फ्री फायर इंडिया होगा ना, वो आपको 500 MB के अंदर अंदर जो कि फ्री फायर का लाइट वर्जन है जो कि नॉर्मल फ्री फायर है, नाम चेंज करके उसको वापस से इंडिया सर्वर के ऊपर डाला जाएगा। तो वैसे केस में क्या है ना भाई लोग, आप लोग को जल्दी अप्रूवल मिल जाएगी। ठीक है, अब ऐसे मैं आपको कंडीशन समझा लेता हूँ, जैसे कि भाई एक बार कोई एप्लीकेशन सस्पेंड हो गई फिर अप्रूवल लेगी ना उसमें टाइम लगेगा, बट अगर कोई नई एप्लीकेशन अप्रूवल लेती है तो वो जल्दी अप्रूव्ड हो जाती है। तो ये गाइस गरेना फ्री फायर का बैकअप प्लान है, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पोस्टर भी निकल के आया गरेना फ्री फायर इंडिया का, ये बताया जा रहा था कि भाई डिस्कॉर्ड से मिला है फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल की, तो मुझे मालूम नहीं कि भाई कितना रियल है कितना फेक है। अब मैंने तो गाइस मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को दिया तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी यूट्यूब के ऊपर भी काफी वायरल वगैरह हो रहा है तो मैंने वहीं से निकाल के आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है गाइस अगर जो फ्री फायर है उसको अप्रूवल ना मिले तो आप लोग के लिए डायरेक्ट ही गरेना फ्री फायर जो इंडिया है वो लॉन्च होगा इंडिया सर्वर के ऊपर। बात करते हैं क्या आप लोग को जो अपडेट्स वगैरह वो देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, तो देखो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ जो अपडेट्स वगैरह वो आप लोग को देखने को मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं, दोनों ही बात है। ठीक है, अब क्या बोलेंगे जहाँ पे कंडीशन ही कुछ ऐसी हो रखी है कि भाई अभी हमारे गरेना फ्री फायर जो है वो कुछ सही से बता नहीं रहा है, बट हाँ 40-50 MB का जो अपडेट्स वगैरह वो आप लोग को देखने को मिलते रहेंगे। एंड यार देखो आजकल मेरे को वीडियो बनाने में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, दैट्स व्हाई गाइस यहां पे जो वीडियो है मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूं, जैसे गाइस सब कुछ सही हो जाएगा तो भाई मैं वीडियो पे अच्छी से लाऊंगा आप लोग के लिए। बाकी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है अभी, शायद से 1 महीना लगेगा सब कुछ सॉल्व होने में शायद से। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, मैं अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर भी काफी जल्दी वीडियो लाऊंगा तो आप लोग टेंशन मत लेना, अभी सच में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है जो कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूं फिलहाल के टाइम पे, बट बताऊंगा जल्दी सारी चीजों का स्टोरी टाइम वीडियोस वगैरह लाएंगे हम लोग। ओके, तो अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।